हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नितिन आपका लर्निंग विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। आज ये मैथ का एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सीटेट टू से जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें से एक ये फॉर्मूला बेस पे है। ये थोड़ा मैं हट जाता हूं साइड से, आप देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। ये सेकेंड पेपर में और हमारे टेटो में जो यूपी टेट एस टेट हुआ उसमें से इसमें एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये फॉर्मूला बेस पे, बस ये चार फॉर्मूले हैं, बस सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, बस करना है फॉर्मूला, आंसर निकाल देना, एक नंबर अपना पक्का कर लेना है। तो किस तरह से, पहला जो क्या है फॉर्मूला, बहुभुज के अंतःगुणों का योग। अगर आपको क्वेश्चन दे रहा हो, ठीक है ना, एन दे रखा होगा वहां पर, ठीक है ना। एन क्या है, जो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या है। एन क्या है यहाँ पर, एन मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, एन जो है बहुभुज के भुजाओं की संख्या है, ठीक है ना। हमें किस तरह से पढ़ना है, जो टॉपिक आते हैं हमारे टेट सी टोटो में, स्मार्ट वर्क करके पढ़ना है, ठीक है ना। तो बहुभुज के अंतःकोणों का, इस बार जहां तक उम्मीद है से क्वेश्चन आपको मिल सकता है पूरा, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, जो बहुभुज के अंतःकोणों का योग, याद कर लो, बहुभुज के अंतःकोणों का योग। तो n माइनस टू इंटू 180 यानी n माइनस टू इंटू गुणा 180 होगा, ये फॉर्मूला है। आपको n दे रखा होगा और सीधे आप वैल्यू रख दोगे, आपकी वैल्यू, आपकी जो अंतःकोणों का योग आ जाएगा। अगर इन्होंने क्या पूछा होगा, n नहीं दिया रखा होगा तो अंतःकोणों का योग दे रखा होगा, तो यहां से आप सॉल्व करके सीधे बहुभुज के अंतःकोणों का योग की वैल्यू रख के आप n भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है, एक तो n निकलवा सकता है, एक अंतःकोणों का योग, जो फॉर्मूला है। ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग। जहां प्रत्येक अंतःकोणों का योग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रत्येक अंतःकोणों का योग। यहाँ फर्क क्या होगा, केवल देखो, प्रत्येक अंतःकोणों का योग आएगा तो इसके नीचे n लगा देंगे, बस कुछ नहीं करना है। जहां प्रत्येक की बात होगी, क्योंकि प्रत्येक की बात होती है तो वहां डिवाइड देते हैं ना, तो इसी तरह से याद कर लो कि n का डिवाइड दे देंगे। सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का, प्रत्येक अंतःकोणों का माप पूछा हो, ठीक है ना, प्रत्येक अंतःकोणों की माप पूछी हो सम बहुभुज के, तो क्या करोगे आप, वहां n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n। कंफ्यूज नहीं हो रहा, यहाँ योग है, यहाँ प्रत्येक बहुभुज के क्या है, माप है, प्रत्येक अंतःकोणों की माप है, यहाँ क्या है, अंतःकोणों का योग है सम बहुभुज के, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हुई, फिर दोबारा, बहुभुज के अंतःकोणों का योग n माइनस टू इंटू 180, सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों की माप n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n, जहां n क्या है, बहुभुज के प्रत्येक भुजाओं की संख्या है, ठीक है। अब यहां भी इसी तरह से दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रत्येक अंतःकोणों की माप दे दी उसने और n पूछ लेगा, या n दे देगा तो प्रत्येक अंतःकोणों की माप पूछ लेगा, इस तरह से। आपको ये चीज समझ में आ रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है, बहुत छोटा है मगर इसे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुभुज का प्रत्येक वाय कोण, देखो वाय कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, याद रखना, प्रत्येक बहुभुज के वाय कोणों का योग 360 होते हैं। तो इन्होंने पूछा बहुभुज का प्रत्येक का वाय, तो प्रत्येक के वाय मैंने कहा था कि डिवाइड करते, तो एन यहां पर एन डिवाइड कर देंगे, एन क्या है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या है एन। देखो जहां प्रत्येक वायकोण, बहुभुज के प्रत्येक वायकोण पूछा जाए, वहां आप n का डिवाइड कर देंगे, 3/60, वायकोण का योग कितना होता है सारे कोणों का, 360 बाय n, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, n दे रखा होगा, पुट करके वैल्यू निकाल देंगे प्रत्येक वायकोण का। अगर प्रत्येक वायकोण दे रखा होगा तो n की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। प्रीवियस पेपर उठा के देख ले, सेकंड पेपर में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुभुज के भुजाओं की संख्या एन है, मोस्ट इंपोर्टेंट इस बार के लिए, ये अभी तक कहीं नहीं आया है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या n है तो उसके विकर्णों की संख्या क्या होगी, n n माइनस वन बाई टू माइनस एन, क्या होगी, n n माइनस वन अपॉन टू माइनस एन। यहां n की वैल्यू रख दोगे, सॉल्व कर लोगे, हमारे विकर्णों की संख्या निकलेगी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है, टेट या सुपर टेट या सी टेट के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन, ये चार तरह से क्वेश्चन, ये आठ तरह से बन के आएंगे क्वेश्चन, आप इन्हें टिप्स पर उंगलियों पर रख लें, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। आप पुराने पेपर उठा के देख लें, टेट सी टेट के आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक बार मैं साइड से हट जाता हूँ, आपको दिखाई दे जाए, नोट कर लें, नोट सुना लें, ठीक है ना, दो बार देख लें, एक सुबह एक शाम, आपको याद हो जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद नितिन की तरफ से, और हमारा जो चैनल है लर्निंग विद दुर्गेश उसे सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें एंड में, ठीक है ना, जिससे कि मोटिवेशन मिलेगा। और टॉपिक वाइज मैं लाऊंगा, जो क्वेश्चन फंसते हैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, विद टॉपिक कंटेंट, जो आप जब पेपर देंगे सीटेट का कभी भी, तो आपको ये चीज, यानी कभी का मतलब या 2020 या 21 में जब भी होगा, ठीक है ना, सेंटर का एग्जाम है तो पता नहीं कब होगा,
तो आपको पूरा पूरा फायदा मिले, ठीक है ना। तो धन्यवाद आपने जो वीडियो देखा उसके लिए।